नॉलेज मैनेजमेंट मॉडल्स की बात करते हुए हमारे सामने टॉपिक है वान क्रूक रूस एंड क्लाइन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एपस्टमोलॉजी तो हम देखते हैं कि इसकी क्या तफसील है इट इज़ द फर्स्ट मॉडल दैट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इंडिविजुअल नॉलेज एंड सोशल नॉलेज इस इस मॉडल ने पहली दफ़ा इन दोनों के दरमियान फ़र्क क़ायम किया इंडिविजुअल के नॉलेज को और फिर सोसाइटी के नॉलेज को अलग अलग तरीके से देखा जाए इट टेक्स एन एपस्टिमोलॉजिकल अप्रोच टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज तो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को मैनेज करने के लिए एपस्टिमोलॉजी जो कि फिलासफी की एक टर्म है उसको किस तरह से यहाँ यूज़ किया जाए उस कंसेप्ट को कैसे यूज़ किया जाए तो इन्होंने उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक मॉडल पेश किया है अब इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया कि कौन से इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज को समझने के लिए तो इसमें सबसे पहला है हाउ एंड वाई इंडिविजुअल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम टू नो कि किस तरह से वो जानते हैं किसी भी चीज़ के बारे में और एपस्टिमोलोजी का ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि इंसान किस तरह से सीखता है किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ के बारे में मालूम हासिल करता है इनका दूसरा पॉइंट है हाउ एंड वाई ऑर्गेनाइजेशन एज सोशल एंटिटीज़ कम टू नो कि इंडिविजुअल कैसे सीखता है वो पहला पॉइंट था अब है ऑर्गेनाइजेशन कि जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है एक सोशल एंटिटी है वो कैसे नॉलेज सीखती है वट काउंट्स फॉर नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल का कुछ नॉलेज कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज कहते हैं तो उन दोनों के अंदर क्या क्या शामिल है कौन कौन सा हिस्सा इंडिविजुअल का नॉलेज कहलाएगा और कौन कौन सा नॉलेज या उसकी टाइप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज कहलाएंगी उसके बाद इन्होंने पॉइंट दिया है जी कि व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ आर्गनाइजेशनल नॉलेज मैनेजमेंट कि जब एक ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज मैनेजमेंट का फंक्शन करने लगेगी तो उसके रास्ते में कौन कौन से इम्पेडिमेंट्स आएंगे कौन कौन से बैरियर्स आएंगे तो इन्होंने कॉगनेटिव प्रस्पेक्टिव दिया अ कागनेटिव सिस्टम नो मैटर इफ इट इज़ अूमन ब्रेन और अ कम्प्यूटर तो ये ह्यूमन ब्रेन भी हो सकता है कागनेटिव सिस्टम इंसान सीख रहा है या फिर वो मकैनिकल या एक मशीन की सूरत में हो सकता है जिसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं कंप्यूटर अब क्रिएट्स रिप्रजेंटेशनस के नॉलेज को किस तरह से रिप्रजेंट करता है नॉलेज के मॉडल कैसे बनाता है ऑफ द रियलिटी कि किसी भी रियलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करता है इंसान के ब्रेन में रियलिटी की उसकी शक्ल क्या बनती है या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में उसकी शक्ल क्या बनती है एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अपीयर्स व्हेन दिस रिप्रेजेंटेशंस आर आर मैनिपुलेटेड अब इसका मतलब ये है कि किस तरह से वो मॉडल वहाँ बनता है क्रिएट होता है और किस तरह से वो फिर उस मॉडल को यूज़ करता है इंसान या कंप्यूटर इसको हम कॉग्नेटिव परस्पेक्टिव कहेंगे नॉलेज का उसके बाद है कागनेटिव ऑर्गेनाइजेशनल एपिस्टिमोलॉजी कि किस तरह से एपिस्टीमोलॉजिकल प्रिंसिपल्स uh, काम आते हैं या कार हैं uh, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में इट व्यूज ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज एज अ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम इन विच ह्यूमंस आर ट्रांसपेरेंट टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड कि आउटसाइड सोर्सेस से ह्यूमंस uh, किस तरह से इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं ये एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एक मैकेनिज्म है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ऑटोमेटिकली काम हो रहा है इसको उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज कहा और जो इसमें मिसालें देते हैं कि वी टेक इन इंफॉर्मेशन थ्रू आवर सेंसेस एंड यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू बिल्ड आवर मेंटल मॉडल्स कि इंसान अपने अपने पांच सेंसेस की मदद से नॉलेज को हासिल करता है और इसी तरह से अगर मशीन की बात हो रही है तो मशीन का अपना एक इनपुट सिस्टम है तो नॉलेज हासिल करता है और उसके बाद इंसान के केस में मेंटल मॉडल्स बनते हैं और कंप्यूटर के केस में भी नॉलेज के या इंफॉर्मेशन के मॉडल्स बनाए जाते हैं द ब्रेन इज़ अ मशीन बेस्ड ऑन लॉजिक एंड डिडक्शन दैट डज़ नॉट अलाउ एनी कंट्राडिक्ट्री प्रोपोजिशंस कि इंसान के जहन में जब उसकी फ़ाइव सेंसेस से नॉलेज आता है तो इंसान का जहन एक लॉजिकल वे में काम करता है इंसान का जहन जो है वो डिड्यूस करता है डिडक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो वहाँ पे अप्लाई होते हैं और अगर कोई कंट्राडिक्टरी प्रोपोजिशंस या कंट्राडिक्टरी नॉलेज आ रहा होता है तो इंसान की जो लॉजिक है वो उसको रिजॉल्व करती है और उसको अलाउ नहीं करती कि वो कंट्राडिक्शन दिमाग में रहें इस तरह से द नॉलेज पिक्सअप इन्फॉर्मेशन फ्राम इट्स एनवायरमेंट एंड प्रोसेस इट इन अ लॉजिकल वे तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने एनवायरमेंट से अपने इर्द गिर्द से अब ये इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का आउटसाइड भी हो सकता है वहाँ से प्रोसेस वो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को लेती है और फिर उसको एक लॉजिकल वे में प्रोसेस करती है अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कनेक्शनिस्ट अप्रोच का ये जो कनेक्शन है इससे जो अप्रोच बनी इन ऑथर्स ने उसको अपने मॉडल का हिस्सा बनाया अब ये जो कनेक्शनिस्ट अप्रोच है ये है इट इज़ मोर होलिस्टिक दैन द रिडक्शनिस्ट अप्रोच अब रिडक्शनिस्ट अप्रोच क्या है कि एक एक वेरिएबल को नॉलेज के एक एक पीस को अलग अलग देखा जाए इसके मुकाबले में जो कनेक्शनिस्ट है ये एक होलिस्टिक पिक्चर है और इंसान का जो ब्रेन है द ब्रेन इज़ नॉट एज्यूम टू सिक्वेंशली प्रोसेस सिम्बल्स बट टू प्रसिव होलनेस आम तौर पर इंसान का जो जहन है वो लॉजिकली तो काम करता है लेकिन वो पीसिस को नहीं देखता इन्फॉर्मेशन के वो एक होलिस्टिक पिक्चर्स को देखता और समझता है लर्निंग रूल्स गवर्न हाउ टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ दीज होल नेटवर्कस आर कनेक्टेड तो लर्निंग ये है इंसान की कि किस तरीके से डिफरेंट पीसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन को जोड़ के एक होलिस्टिक पिक्चर बनाई जाती है और उसको इंसान उस तरह से अंडरस्टैंड करता है तो इसको लर्निंग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ओनली टेकन इन इन फ्रॉम द एनवायरनमेंट बट आल्सो जनरेटेड इंटरनली। एनवायरनमेंट एनवायरमेंट से तो इनफॉर्मेशन आती ही है लेकिन इंसान अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए अपनी अपने लॉजिकल प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग के अंदर भी इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को जनरेट करता है इसके बाद है जी फेमिलियरिटी एंड प्रैक्टिस लीड टू लर्निंग इंसान की जो लर्निंग है एक तो वो उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए होती है जो बाहर से आई उसके बाद उसने अपने जहन में प्रोसेस की और उसके साथ साथ उसकी जो फेमिलरिटी है एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ और उसने जो प्रैक्टिस की उसने जो स्किल सीखी इस दौरान उससे उसकी लर्निंग जो है वो बढ़ती है इंडिविजुअल्स फॉर्म नोड्स इन अ लूजली कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम जो इंसान होते हैं वो डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के नोड्स बनाते हैं उनके दरम्यान कनेक्शंस बनाते हैं कि जिससे उनकी लर्निंग जो है वो बढ़ती है नॉलेज डज नॉट रिजाइड ओनली इन द माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स बट आल्सो इन द कनेक्शंस अमंग दीज इंडिविजुअल्स तो वो जो अलग अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज हैं वो तो अपनी जगह हैं लेकिन नॉलेज को हम होलिस्टिक अप्रोच कैसे देंगे कि उनके दरम्यान जो कनेक्शन हैं वो नॉलेज का या लर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स है अ कलेक्टिव माइंड इज़ फॉर्म्ड एज द रिप्रजेंटेशन ऑफ दिस नेटवर्क एंड इट इज़ द कोर ऑफ ऑर्गनाइजेशनल नॉलेज मैनेजमेंट कि जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो डिफरेंट सेक्शंस में काम करते हैं उन सब का नॉलेज अगर जमा किया जाए उस नॉलेज के दरमियान जो कनेक्शंस हैं उनको स्टडी किया जाए तो इसे हम कह सकते हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच बनी और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज मैनेजमेंट की एक सूरत बनी अब आखिर में इन्होंने बैरियर्स का जिक्र किया है और इन बैरियर्स को उन्होंने पांच तरीकों से या पांच पर्सपेक्टिव्स में बयान किया है कि अगर ये बैरियर्स इस तरह से होंगे तो नॉलेज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये सही तरीके से काम नहीं कर सकेगा इसमें सबसे पहले उन्होंने बात किया है माइंड सेट ऑफ़ द इंडिविजुअल्स कि अगर इंडिविजुअल्स जो हैं वो नॉलेज को हासिल करने के लिए नॉलेज को क्रिएट करने के लिए वो अगर कीन नहीं होंगे इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो नॉलेज मैनेजमेंट के काम में एक बैरियर आ जाएगा उसके बाद है जी कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन कि क्या ऑर्गेनाइजेशन आपस में कम्युनिकेशन का कोई नेटवर्क बनाती है इंडिविजुअल्स के मिल बैठने का ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग का कोई इंतज़ाम करती है अगर नहीं करती है तो एक बैरियर है उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है जो इनोवेशन को प्रमोट करती है कि जो उनके लिए कोई इंसेंटिव लेके आती है इसी तरह है रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स कि मेंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप्स किस नोयत के हैं कि क्या जो मेंबर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो इंफॉर्मेशन शेयर करने को पसंद करते हैं या नहीं करते अगर वहाँ पर कल्चर नहीं है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जिसके तो नतीजे में नॉलेज मैनेजमेंट की प्रैक्टिस वहाँ पे अप्लाई नहीं की जा सकेगी और आखिरी जो बैरियर है इसमें वो है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कि ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट है वो क्या नॉलेज uh, मैनेजमेंट या नॉलेज शेयरिंग के जो प्रैक्टिसज uh, हैं उसके लिए कोई इंसेंटिव देता है वो उनकी एवेलन रिपोर्ट में एम्प्लॉज़ की उसे शामिल करता है या नहीं करता अगर एच की अच्छी प्रैक्टिस नहीं होंगी और वो नॉलेज मैनेजमेंट को प्रीफर नहीं करेंगे तो नॉलेज मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी उस अदारे के लिए काम नहीं करेगी